अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं गाजर खीर की रेसिपी। तो ये मेरी मिसेज है, ये बना रही हैं आज, तो ये अभी आपको सारी प्रेजेंटेशन देती हैं उसकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख लें, ये दूध है 1.5 किलो, जिसमें 2 इलायची हमने डाली है, और ये उबला हुआ है दूध, और उसके बाद ये 3 अदद बड़ी गाजरें, 1 पाव चीनी और 1 कप चावल है, ये हम इसमें उबलते हुए दूध में जो है गाजर को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद ये दूध उबल गया है, और इसमें हम अब ऐड करेंगे चावल। ये हमने 1 घंटा पहले से भिगो के चावल रख लिए थे। इसे तकरीबन हम 20 मिनट तक पकने देंगे। ये देख लें, इसमें उबाल आ रहा है, इसमें चावल भी डाल दिए हमने, इसमें गाजर भी ऐड की हुई है, और इसमें ये भी उबाल आ रहा है, और इसको हम इसी तरह पकाते रहेंगे, और तकरीबन 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। वक्फे और इसके थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाता रहना है, क्योंकि कहीं चावल और गाजर जो है वो नीचे लगना है। ये देखें, थोड़ी देर पकने के बाद इसकी ये पोजीशन आ गई है। तकरीबन 1 घंटा पकने के बाद ये पोजीशन आई है। 1 घंटा और गाजर की आज हम बनाएंगे कस्टर्ड के साथ, उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड भी हम ऐड करेंगे। ये हमने इसमें बिल्कुल 1 चम्मच कस्टर्ड लिया है, और इसमें हम तकरीबन 1/4 हिस्सा दूध का मिलाकर इसको बनाएंगे। 1/2 कप दूध और 1 चम्मच कस्टर्ड, ये हम मिक्स कर दिया है। अब हम साथ ही इसमें जो हमने चीनी ली है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसे पकाएंगे हल्की आंच पे। मुसलसल चमचा चलाते जाएं इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये खीर तैयार हो गई है, और इसके नीचे चूल्हा बंद कर दें और इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। हम कर देते हैं गार्निश।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।